हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम WWE रॉ वर्सेस स्मैकडाउन 2011 खेलेंगे। तो हम ये पीपीएसएस पीपी इमुलेटर के ऊपर खेलने वाले हैं। तो खैर, हम सारी चीजें आपको इस गेम के ऊपर अंदर बता देंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इतनी देर से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई थी। हमने जो दो वीडियो डाली थी कि डाउनलोड ये दोनों गेम में किस तरह करनी है, GTA San Andreas की और एक यही WWE Raw vs SmackDown 2011 की, ये दो वीडियो हमने डाली थी। वो वीडियो तो बहुत मशहूर हो गई लेकिन उसके वजह से चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई। तो चैनल पे स्ट्राइक पड़ने की वजह से ही मैं वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई थी, इसलिए अब वीडियो नहीं। लेकिन अब वीडियो आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये आवाज हम बंद कर देते हैं क्योंकि कॉपीराइट इश्यू आ सकते हैं, इसलिए हमने आवाज बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो सबसे पहले हम आपको बीच में थोड़ा सा गेम का फॉर्मेट दिखा देते हैं। गेम का फॉर्मेट किस तरह का, ये प्ले पे आपने जाना है और ये 1-on-1 के सारे मैचेस आपको देखने के लिए मिल गए होंगे, और ये 2-on-2 के सारे मैचेस आपको देखने के लिए मिल गए, ट्रिपल ट्रैप के सारे मैचेस देखने के लिए मिल गए, फैटल फोर वे के सारे मैचेस देखने के लिए मिल गए, इसी तरह आपको सिक्स मैन सारे मैचेस देखने के लिए मिल गए, हैंडीकैप और ये रॉयल रंबल। तो सबसे पहले हम आपको प्लेयर दिखा देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर हैं। तो जैसे भी हम कोई सा भी मैच लगा लेते हैं, लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच लगा लेते हैं, बिल्कुल कोई सा भी आपको, बस हमने दिखाना है किस तरह का हिसाब है इसके अंदर। तो खैर, हम अंडरटेकर ले लेते हैं और हम ये टाइटल मैच रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल अंडरटेकर को ही दे देते हैं। तो खैर, हम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ेंगे और साथ हम कोई और प्लेयर भी रख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉन सीना है, जॉन सीना हम रख लेते हैं। ये रॉबर्ट द स्नेक भी इसके अंदर मौजूद है, ये पुराने प्लेयर आपको काफी सारे इसके अंदर प्लेयर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है प्लेयर्स की, आप कोई सा प्लेयर ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं यही इनमें से कोई सा भी ले लेते हैं। ये गोल्डस्ट ले लेते हैं, ये गोल्डस्ट भी ले सकते हैं हम ड्यू मैकेंटायर ले लेंगे। ये ड्यू मैकेंटायर आजकल भी चल रहा है, उस वक्त भी ड्यू मैकेंटायर था लेकिन इतना मशहूर नहीं था ड्यू मैकेंटायर। खैर, आप देख सकते हैं कोई सा भी आप ले सकते हैं, तो हम यही ले लेंगे। तो हम मैच थोड़ा हैवी रेसलमेनिया के अंदर हम मैच कर रहे हैं, लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच है, ये हम ऑफ ही रखेंगे और ये सारी सेटिंग हमने कर लिया। तो खैर, मैच आप शुरू करते हैं। आपको सारी चीजें हम गेम के अंदर आहिस्ते आहिस्ते बताते रहेंगे, और आपने अगर कोई और चीज भी देखनी है तो आप हमें मैसेज पे कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको वो चीज भी बता देंगे। तो खैर, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गेम प्ले इस गेम का ये है, और ये पीछे से हमें ये आकर मारेगा, जैसा कि हमें पता चल ही गया इसने आके हमारे साथ गद्दारी की और ये हमें मारा। तो खैर, हम इसके साथ भी गद्दारी करेंगे और इसका भी बेहतरीन हशर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैच ही शुरू हो चुका है, और इसलिए हमें मैच शुरू होते ही हमारे साथ इसने ज्यादती करके हमें ये दाव लगा दिया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, डर्टी डीड्स हमें पड़ चुका है। और ये आप देख सकते हैं, हमारा प्लेयर उठ चुका है और अब हम इससे बदला लेंगे जो इसने हमारे साथ बेगैरती की है, इसका बदला हम जरूर इससे लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, हमने इसके साथ बदला, हमने बारी बारी इससे सारे एक एक करके बदले लेने हैं, और ये हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने इसको बेड़ा ग्रह कर दिया, और ये आप देख सकते हैं, और ये एक तरह का वो भी देख सकते हैं कि अंडरटेकर का रेसलमेनिया के अंदर ये मैच है, और ये हम स्ट्रीक भी अगर हार गए तो अंडरटेकर की स्ट्रीक भी टूट सकती है। वो खैर, हम आपको इसमें ही दिखाएंगे, वो आपको एक और इसी के बाद एक और मैच दिखाएंगे, उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि अंडरटेकर की स्ट्रीक कैसे हमने इसमें तोड़ी है। तो खैर, आप देख सकती हैं, ये हमने इसी का दाव इसी को लगाया, ये हमारा अपना दाव नहीं, हमने इसी का दाव इसे लगाया, और अब हम इसका फिनिशर लगाएंगे इसी का। तो ये देख सकते हैं आप जैसा कि, और ये देखिए, ये हमने इसी का फिनिशर इसी को लगाया है, इसी के जहाँ से इसी को हमने बिड़ा कर किया है। तो खैर, हम यहाँ से अपना कोई सा भी वेपन मंगवा सकते हैं, जैसे अपने इस पे आकर एक्स दबा देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये वेपन सिलेक्ट हो गया है और ये हम ऊपर भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह हम इसके साथ कोई सा भी मूवमेंट कर सकते हैं, और ये एक्शन भी हम कर सकते हैं। तो हम आपको एक्शन भी करके दिखाएंगे किस तरह ये एक्शन होता है, और ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये इसने हमारे साथ ज्यादती की और ये हम इसको नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये आप देख सकते हैं, और ये हम इसका सर से आपको खून निकाल के भी दिखा देते हैं कि खून भी इसके अंदर निकल जाता है। WWE
रॉ वर्सेस स्मैकडाउन 2011 आपने अगर ये नहीं खेली तो जरूर खेलिएगा। गेम ये बहुत कमाल की है, खासतौर पर इसका यूनिवर्स मोड तो बहुत ही अच्छा है। तो खैर इसके बाद हम इसे डर्टी ट्रिक्स लगा देंगे। इसके अब तो दाग चेंज हो गए लेकिन पहले इसके यही दाग है। अब इसने क्लेम और कर लिया लेकिन पहले इसके यही वाले दाग इस ये इस्तेमाल करता था। तो खैर आप देख सकते हैं हमने इसको किस तरह हमारा, अब ये हम इसको चेयर से मारेंगे। ये चेयर शॉट आप देख सकते हैं ये, और ये इसके अंदर चेयर से मारना एक मुश्किल काम है, आपको पता ही होगा। तो हम ये चेयर शॉट इसे मारने लगे और ये आप देख सकते हैं कि इसने हमें फेंक के मार दिया, और ये आप देख सकते हैं किस तरह हम गिर चुके हैं। तो खैर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपको वीडियो किस तरह देखने के लिए मिल जाएगी, आप हमारे चैनल को भी भूल जाएंगे। इसलिए आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो साथ के साथ देखने के लिए मिल जाए। और ये आप देख सकते हैं, और ये एक डर्टी डीड रिकॉर्ड पड़ गया इसे, तो खैर हम इसको उठा देंगे। अगर आपने डीन एम्ब्रोस के साथ नहीं खेला, डीन एम्ब्रोस के साथ खेलना चाहते हैं तो आप इसमें इसे लेके खेल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही डीन एम्ब्रोस की कॉपी है। डीन एम्ब्रोस के सारे दाए जैसा कि आप देख सकते हैं ये डीन एम्ब्रोस का ही दाए था, और ये वो आकर हमारा ब्रेवर्ड भी मारने लग गया, लेकिन सबसे पहले तो ये डीन एम्ब्रोस का ही दाए था। चुप चो ये भी आप देख सकते हैं डेड रिडीट के डीन एम्ब्रोस का ही है। तो खैर हम ये मैच जीत ही जाएंगे। नीचे जाकर हम आपको कोई और भी वेपन दिखा देते हैं ला के, इसके अंदर हम चैंपियनशिप भी पकड़ सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो चैंपियनशिप भी मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगा। तो खैर मैं एक और वेपन ताकि आपको गेम का थोड़ा अंदाजा हो जाए। ये आप यहाँ पे जाकर आपने बस एक्स दबा देना है और ये स्लज हमारा हमें मिल गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्लज हमर से इस पर अटैक कर दिया है, और इसको ये अब खड़ा तो खैर हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने जो इसका हाशर कर दिया, खड़ा होना इसके लिए मुमकिन ही नहीं रहा। तो खैर हम इसके साथ जो करना चाहते थे वो कर दिया है। अब इसकी 1-2-3 होने का हम इंतजार कर लेते हैं, तब तक आपको हम अपनी विक्ट्री का भी थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर उसके बाद आज के लिए खैर ये वीडियो हम यहीं पे खत्म कर देंगे। तो खैर हम आपको दिखा देते हैं कि ये आप देख सकते हैं आगे लॉब लॉब इसमें लग जाता है। देखा आपने किस तरह इसने हमारे साथ ज्यादती करके हमें लॉब लॉब के साथ जकड़ लिया, और ये आप देख सकते हैं इसका ये बेड़ा ग्रक बस यहीं पे इसका मैच में हो जाना है। और ये हमने इसको टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर लगा के इसका काम तमाम कर देना है। रिवर्स ये खैर अच्छा कर देता है, लेकिन हम इसे टॉम स्टोन पायल ड्राइवर लगा देंगे तो खैर ये किसी काम का भी नहीं रहेगा। टॉम स्टोन पायल ड्राइवर लगा के हमने अपनी बेल्ट लेके निकल जाना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि टॉम स्टोन के बाद कौन सा बंदा उठ सकता है। ये आपको भी पता है कि टॉम स्टोन के बाद उठना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन रह जाता है। तो खैर हम अपनी बेल्ट लेके निकलने की कोशिश करते हैं। ये हमारा चैंपियनशिप के लिए था, वर्ल्ड हेवीवेट WWE चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हमने किया था, लेकिन फिर WWE चैंपियनशिप के लिए हो गए। तो खैर हम कोई से भी चैंपियनशिप तो है खैर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 8 हो चुके हैं और ये 9, और ये हम जीत चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैच हम जीत चुके हैं, अंडरटेकर जीत चुका है मैच बाय द वे ऑफ नॉकआउट। तो खैर बेहतरीन तरीके से मैच जीत चुके हैं और चैंपियनशिप भी हमें मिल चुकी है, और अंडरटेकर की स्ट्रीक भी बरकरार रही है। तो खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको रोड टू रेसलमेनिया के चंद शॉर्ट दिखाएं कि रोड टू रेसलमेनिया के अंदर कैसा है और रोड टू रेसलमेनिया के मैचेस कैसे हैं खासतौर पर ये। तो खैर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आप हमारे साथ बने रहे हैं तो आप तो हमारे चैनल के प्राइम मेंबर्स हो। तो खैर हमें कमेंट में बताइएगा कि इसके अलावा आप कौन सी गेम देखना चाहते हैं, इसके अलावा भी आपको कोई और गेम देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। तो खैर आज